Hello students, welcome to others classes. In this video we are going to discuss about clause and their types. So without any delay, let's get started. Clause. A clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. A clause contains only one subject and one verb. It means clause, जिसे हिंदी में खंड भी कहा जाता है. क्लॉज में वर्ड्स का ग्रुप शामिल होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब इंक्लूड होता है. फॉर एग्जांपल, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया है. तो इस सेंटेंस में सिंगल वर्ब और सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए ये वन क्लॉज सेंटेंस है. नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल. When I come here, I saw him. जब मैं यहाँ आया, मैंने उनको देखा. तो इस सेंटेंस में टू सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब्स हैं, इसलिए ये टू क्लॉजेस सेंटेंस है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, When I came here, I saw him and he greeted me. जब मैं यहाँ आया, मैंने उनको देखा और उसने मेरा अभिवादन किया. तो इस सेंटेंस में थ्री सब्जेक्ट्स प्लस थ्री वर्ब्स हैं, इसीलिए ये थ्री क्लॉज सेंटेंस हैं. आइए अब इनके टाइप्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉज. क्लॉज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. नाउ लेट्स सी इंडिपेंडेंट क्लॉज. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड look much like a regular sentence. It means dependent clause अपने आप में independent होता है, स्वतंत्र होता है और एक complete sentence देता है, meaningful sentence देता है, किसी other clause पर depend नहीं होता और regular sentence की तरह ही show करता है. For example, he is a wise man, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है. तो इस सेंटेंस का अपने आप में एक स्वतंत्र या कंप्लीट मीनिंग है और अपने आप फंक्शन करता है, वर्क करता है, किसी अदर सेंटेंसेस पे डिपेंड नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल इज, आई लाइक हिम, मुझे वह पसंद है. तो इस सेंटेंस में देख सकते हैं ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है. नेक्स्ट एग्जांपल इज, कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हैं. तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ये भी एक कंप्लीट मीनिंग है और कंप्लीट सेंटेंस है और अपने आप में फंक्शन कर रहा है, किसी अदर क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है. नेक्स्ट टाइप इज डिपेंडेंट क्लॉज. अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज It leaves an idea or thoughts unfinished. It is also called subordinate clause. Dependent clause अपने आप अकेले कोई function नहीं कर सकता. ये always independent clause पर depend रहता है. And dependent clause independent clause के साथ मिलकर ही एक complete meaningful sentence देता है. For example, I know that he cannot do it. मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है. तो इस सेंटेंस में टू क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज एंड एक इनडिपेंडेंट क्लॉज. आई नो जो कि इस सेंटेंस में एक इनडिपेंडेंट क्लॉज है एंड दैट ही कैन नॉट डू इट, ये पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज में है और इस डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए ही इस सेंटेंस में आई नो को एड करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल इज, ही ब्रॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव, उसने एक कार खरीदी जो बहुत महंगी थी. तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि दो क्लॉजेज हैं. पहला है ही ब्रॉट अ कार, ये एक इनडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि कंप्लीट सेंस रखता है. एंड विच वॉज टू एक्सपेंसिव, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और इसी डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए ही ब्रॉट अ कार
इस सेंटेंस को यहाँ ऐड किया गया है और तब जा करके ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लॉज पर हमारा आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।